ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप है उन्हें हम बारंबार नमः। इसलिए संसार झूठा है तो झूठे में मन क्या लगाना है? आपका बेटा सच्चा है कि झूठा है? जोर से मैया, आपका बेटा सच्चा है कि झूठा है? झूठा है। आप झूठी हो कि सच्ची हो? हा? आप भी झूठी, आप भी झूठे, आपकी मां भी झूठी, आपके पिता भी झूठे, हम सब झूठे हैं, ये जगत ही झूठा है। तो बेटा बेटी, पति पत्नी, सब झूठा। और याद रखना, समझदार वो कौन? अच्छा आप बताओ, समझदार कौन है, जो सच्चे में मन लगाए या झूठे में मन लगाए? वो भैया फोटो वाले सो रहे हैं क्या? जगा साहब, जागो सरकार, सो गए आप? तो ये बताओ, समझदार कौन है, जो सच्चे में मन लगाए या झूठे में मन लगाए? तो फिर सच्चे भगवान है और आप लोग मन संसार के लोगों में लगाए बैठे हैं, तो आप सही हैं या गलत हैं? बोलो मेरी मां, गलत हैं। तो सही होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जगत से मन हटाकर जगन्नाथ में मन लगाना पड़ेगा। अभी रॉन्ग है, राइट होने के लिए मन को वहां से उठाकर यहां जमाना पड़ेगा। इसलिए अभी से अभ्यास में लगो, कामयाबी मिलेगी। मन को अभी से लगाओ, लगेगा। जगत अच्छा है, व्यवहार करो, रहो, आनंद लो, हंसो, मुस्कुराओ, गाओ, नाचो, झूमो। झूठा है पर नाचो, गाओ, मस्ती से रहो, आनंद से रहो, खुश रहो, ये मान करके ये सब झूठा है। सच्चे तो भगवान है। इसलिए मीराबाई क्या बोली? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, दूसरा कोई है? अच्छा बताओ, भगवान कैसे हैं? साकार हैं कि निराकार हैं भगवान? मैया, भगवान निर्गुण हैं कि सगुण हैं? साकार या निराकार, भगवान कैसे हैं बेटा बताओ? दोनों हैं। साकार मतलब जिसका कोई आकार हो, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, वो निराकार। तो साकार उसी को ही निर्गुण और सगुण कहते हैं। तो बताओ, भगवान को आप लोग क्या मानते हैं, निराकार या साकार, निर्गुण या सगुण? बोलो, क्या मानते हैं आप लोग? आप निराकार मानते हैं भगवान, साकार तो निराकार नहीं मानते। आप क्या मानती हो मैया, भगवान को साकार या निराकार? मैया, भगवान को आप क्या मानती हो? भगवान का कोई आकार है या नहीं? उत्तर दो आप दोनों। आप बताओ मैया, आप बताओ। भैया चश्मा वाले भैया बताएंगे। हाँ? निराकार है। हाँ, और पीछे कोई बताए? साकार है। आप बताओ, निराकार। ये मैया बताओ, मैया। हाँ, सो रही हो क्या माँ, या सुन रही हो माँ, क्या कर रही हो माँ, कुछ तो कहो। मैया, साकार हैं भगवान के निराकार हैं? दोनों। हाँ, भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। आप बताएं, अब इसे सिद्ध करो, कैसे हैं दोनों? तो सिद्ध कर देंगे, एक मिनट लगेगा। जैसे पानी, पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं है, पर वही पानी जब फ्रिज में रखा जाए गिलास में भरकर, तो वो बर्फ हो जाता है। तो बर्फ का तो आकार होता है, टेढ़ा टापटा जैसा हो,
पानी का कोई आकार नहीं पर बर्फ का आकार है, पानी ही बर्फ है। उसी तरह जैसे पानी का तो आकार, वो पानी निराकार है पर बर्फ बनने के बाद आकार है, उसी प्रकार भगवान तो पानी की तरह निराकार है पर जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में कैद होता है वो परमात्मा, तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। तो ईश्वर साकार है या निराकार ये देखो हमने सिद्ध करके बता दिया, ये हो गया सिद्ध। अब कोई किंतु परंतु बचा, तो वो निराकार भी है और